अगर आप भी बिगनर हैं एंड अपने लिए एक मिनिमल मेकअप किट क्रिएट करने का सोच रहे हैं, हियर आर ऑल द एसेंशियल्स दैट यू विल नीड फॉर योर मेकअप बैग. दीज आर मेकअप प्रोडक्ट्स दैट यू माइट नीड टू क्रिएट अ लुक, चाहे आप एवरीडे लुक की बात करो या फिर ग्लैम लुक. इस मेकअप किट में है सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स एंड आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से एक आधा प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रेफरेंसेस एंड नीड्स क्या हैं. यहाँ पर मैंने अपने सारे फेवरेट प्रोडक्ट्स रखे हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं. आई थिंक दे आर ऑल अंडर 500 रुपीज़ एंड अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है अपने फेवरेट प्रोडक्ट के साथ में, देन यू कैन टोटली कस्टमाइज दिस एज पर योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. तो अगर आप एक बिगनर हैं एंड आप अपनी मेकअप किट बिल्ड कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज वेयर यू कैन स्टार्ट विद. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. सबसे पहला प्रोडक्ट है एक प्राइमर. नाउ आई फील दैट दिस इज ऑप्शनल. अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, देन आप अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर सकते हो. बट इफ़ यू हैव ओपन पोर्स या फिर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है एंड आपका मॉइस्चराइजर के बाद आपको कुछ ऐसा चाहिए जो पोर्स को फिल कर दे, आपकी स्किन को स्मूथ भी कर दे, देन यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस. अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आप एक मैटिफाइंग प्राइमर ले सकते हैं. दिस इज माई फेवरेट प्राइमर. ये है इनसाइट प्रो मॉइस्चराइजिंग प्राइमर. ये आपकी स्किन को करता है स्मूथ एंड पोर्स को फिल करने में भी हेल्प करता है. स्क्रीन पे मैं कुछ और प्राइमर्स के नाम भी मेंशन कर दूंगी डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप्स, जिसमें से आप चूज कर सकते हो अपने बजट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है एंड मैं एक हाइलाइटर यूज करना पसंद नहीं करती हूँ, आई लाइक कि मेरी स्किन जो है वो अंदर से ग्लो करे, ऐसा लगे लोगों को. सो इसीलिए एक स्ट्रोब क्रीम इज अ मस्ट फॉर मी. दिस इज मामा अर्थ विटामिन सी डेली लूमी क्रीम. ये एक पिंकी ग्लो देती है एंड आई रियली लाइक इट. मुझे ये इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है, ऑलमोस्ट जेल लाइक टेक्सचर है. तो अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. हेयर आर सम अदर ऑप्शंस इन लूमी क्रीम जो कि आप देख सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ मामा अर्थ. नाउ क्योंकि मेरी स्किन क्लियर है, इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट फॉर द पिगमेंटेशन अंडर माई आईज विच आर माई डार्क सर्कल्स, तो एक कंसीलर से मेरा काम हो जाता है. अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो आप एक करेक्टर भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, वरना एक कंसीलर इज इनफ. आपको पिगमेंटेशन अपने चीक्स पे भी या फिर एक्ने मार्क्स हैं तो एक हाई कवरेज कंसीलर जो है वो सब कुछ कवर कर देगा एंड आप फाउंडेशन को स्किप कर सकते हो. इस कंसीलर में हल्का सा मॉइस्चराइजर ऐड करके आप अपने कंप्लीट फेस पे भी यूज कर सकते हो एज अ बीबी क्रीम. सो आई थिंक अ कंसीलर इज अ मस्ट हैव इन योर मेकअप किट. यू कैन स्किप ऑन योर बीबी क्रीम और योर फाउंडेशन, स्पेशली समर्स में, क्योंकि बीबी क्रीम या फाउंडेशन जब आप पूरे फेस पे लगाते हो और जब पसीना आता है वो स्पेसिफिक जगहों से उड़ जाता है, इट डजेंट लुक नाइस. इससे आप स्पॉट कंसील कर सकते हो सो दैट ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट सब कवर हो जाए एंड आपकी स्किन लगे ना कि यू नो ऐसा ना लगे कि आपने बहुत कुछ लगाया हुआ है अपने फेस पे. दिस इज माई फेवरेट कंसीलर. यह है कफ्स एंड लैशेज कवर इट ऑल कंसीलर. मेरा जो परफेक्ट मैच है वो है 06 आमंड एंड मैं एक्चुअली दो शेड्स यूज करना पसंद करती हूँ, बट देर आर डेज जहां पर मैं हाईलाइटिंग नहीं करती हूँ. मेरा हाईलाइटिंग शेड है 02 बनाना, देन आई जस्ट गो इन विद आमंड एंड आई एम गुड टू गो. आज भी मैंने सिर्फ आमंड यूज किया अपने अंडर आईज पे, क्योंकि एक एग्जैक्ट मैच है इसलिए कोई ग्रेनेस नहीं आती है अंडर आईज पे एंड इट जस्ट कवर्स ऑल द डार्कनेस अंडर माई आईज. तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ या रेफर कर रही हूँ उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, मेक श्योर टू चेक देम आउट. नेक्स्ट बारी आ जाती है सारे क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई करने की, क्योंकि एक बार हमने अगर पाउडर कर लिया तो फिर आप उसके ऊपर क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते. सो हम बात करेंगे कॉन्टोर और ब्लश की. दीज आर माई फेवरेट प्रोडक्ट्स. जब मैं अगर क्रीम कॉन्टोर या क्रीम ब्लश की बात करूँ, दिस वन इज ब्लू हेवन स्ट्रोब एंड शेप. नाउ इसमें एक क्रीम हाईलाइटर भी मिलता है जो कि मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट इसका जो कॉन्टोर साइड है वो काफी क्रीमी है और काफी अच्छे से ब्लेंड होता है. दिस इज जस्ट फॉर 300 रुपीज एंड इट डज द जॉब सो डैम गुड. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. एंड देन फॉर द ब्लश आई यूज दिस. ये है ब्लू हेवन का किस एंड ब्लश इन द शेड रोजी डस्क. इट्स सच अ ब्यूटिफुल डस्टी रोज कलर, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है ये एंड आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल स्किन टोन्स पे ये सूट कर जाएगा. नाउ हियर इज द रीजन व्हाई आई डोंट यूज अ हाईलाइटर, बिकॉज जब मैं
मैं क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ और मैंने एक स्ट्रोब क्रीम ऑलरेडी यूज करी थी, देयर इज अ स्लाइट ग्लो ऑन माय फेस ऑलरेडी, तो मुझे अलग से हाइलाइटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ये ब्लश पसंद नहीं है देन यू कैन गो फॉर मोर ऑप्शंस, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में बात करी है अबाउट अ लॉट ऑफ क्रीम ब्लशेस, यहाँ पर लिंक कर दूंगी, गो चेक इट आउट। वहां पर मैंने काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं इन अफोर्डेबल एज वेल एज मिड रेंज कैटेगरी, सो चेक दैट आउट। अब क्योंकि हमने अपने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स लगा लिए हैं एंड क्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर आप पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हो जिससे कि सारे के सारे क्रीम प्रोडक्ट्स अच्छे से सेट हो जाएं, आपके फेस पे कोई क्रीज लाइंस ना पड़े एंड आपका जो क्रीम बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। आई ऑलवेज प्रेफर अ लूज पाउडर फॉर सम रीजन, स्पेशली दिस वन मार्स का ये ट्रेंड सेटिंग लूज पाउडर है, इट्स वेरी वेरी गुड। ये तीन शेड्स में आता है, मेरा जो शेड है वो है सॉफ्ट लाइट एंड अगर आप मेरे से डीपर स्किन टोन के हो तो आप बनाना यूज कर सकते हो। दिस इज ए वाटरप्रूफ पाउडर, सो क्योंकि हमने कोई भी वाटरप्रूफ बेस में अभी तक यूज नहीं किया है, दिस विल जस्ट सेट एवरीथिंग इन प्लेस एंड साथ के साथ अगर आपको थोड़ा बहुत पसीना वगैरह आता भी है ना तो ज्यादा कुछ ट्रांसफर नहीं होता है आपके फेस से, तो दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर द प्राइस दैट यू विल बी पेइंग फॉर दिस एंड ऑल्सो तीन शेड्स में अवेलेबल है तो आपके हिसाब से आप अपना शेड भी चूज कर सकते हो। यू कैन गो फॉर अ कॉम्पैक्ट पाउडर अगर आपको लूज पाउडर्स यूज करना पसंद नहीं है एंड आई विल मेंशन अ फ्यू नेम्स राइट हियर जो कि मुझे लगता है अफोर्डेबल भी है एंड काफी अच्छा काम करते हैं। क्योंकि पाउडर लगाने के बाद ना फेस थोड़ा सा फ्लैट हो ही जाता है, इसीलिए आई लाइक टू गो इन विद अ पाउडर कॉन्टोर ऑल्सो। दिस वन इज कप्स एंड लैशेस कपी केक इन टी केक्स, ये बहुत ही प्यारा कॉन्टोर स्लैश ब्रॉन्जिंग शेड है एंड काफी सारे स्किन टोन्स को ये सूट भी कर जाता है। इनफैक्ट ज्योति सेठी, शी जस्ट लव्स दिस कॉन्टोर, उसने लिटरली खत्म कर दिया एंड मैंने सेंट हर अनदर वन, शी वाज लाइक वाओ तुमको कैसे पता मुझे ये बहुत पसंद है। सो दिस इज वेरी 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 गुड, काफी ब्लेंडेबल है। राइट नाउ क्योंकि मेरा बर्थडे चल रहा है सो वी हैव अ अप टू 25% सेल गोइंग ऑन ऑल कप्स एंड लैशेस प्रोडक्ट्स। ये वाला शायद 140 रुपीज का आपको मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक आउट cupsandlashes.com फॉर ऑल द अमेजिंग ऑफर्स दैट वी आर रनिंग राइट नाउ। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार पाउडर करने के बाद जहां जहां मैंने कॉन्टोर अप्लाई किया है वहां वहां इसको हल्के हाथ से डस्ट कर देती हूँ सो दैट मेरे फेस को वापस से डायमेंशन मिल जाए। पाउडर ब्लश नहीं यूज करती हूँ मैं, इंस्टेड वॉट आई डू इज मेरे क्रीम ब्लश को ही लेती हूँ अपने ब्रश पे, दिस इज एक्चुअली F016 ब्रश कह सकते हो एंड बहुत हल्के हाथ से मैं उसके ऊपर टैप करती हूँ। दिस डज नॉट पिक योर प्रोडक्ट एंड आपको हल्का सा वो ब्लश इफेक्ट वापस से मिल जाता है एंड क्योंकि आपने ऑलरेडी एक क्लियर ब्लश की लगाई हुई थी, दिस वे योर ब्लश बिकम्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो। नेक्स्ट बारी आ जाती है आई शेडो की एंड यू गाइज नो आई जस्ट लव कप्स एंड लैशेज एक्स शाई स्टाइल्स नैन्सी न्यूड पैलेट, बट सैडली दैट्स आउट ऑफ स्टॉक राइट नाउ एंड बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो आई थॉट वॉट कुड बी अ क्लोजेस्ट मैच टू दैट पैलेट, लाइक क्या ले सकते हो आप जस्ट इन केस आपको एक अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट लेना है एंड जो कि काफ़ी वर्सेटाइल हो, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। ये है बबल गम, सेम शाई स्टाइल्स कलेक्शन से है एंड एज यू कैन सी दिस हैज़ शिमर्स मैट शेड्स एंड दे आर वेरी वेरी पिगमेंटेड। अगेन इसके साथ में आपको एक एक्स्ट्रा आईब्रो प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस शेड राइट हेयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल ग्रेश ब्राउन कलर जो कि आईब्रोज के लिए परफेक्ट है। मैं पर्सनली आईब्रोज अपनी पाउडर से ही फिल करती हूँ सो आई यूज दिस शेड टू जस्ट फिल इन माई आईब्रोज एंड द रेस्ट ऑफ द आई शेडो पैलेट आप अपनी आईज पे यूज कर सकते हो। ये मैंने आज जो है ये वाला ब्राउन शेड अपने क्रीज में यूज करा है एंड आउट ऑफ में यूज किया है एंड देन यूज दिस ब्रॉन्ज शेड ऑन द आईलिड्स इनर कॉर्नर से लेकर सेंटर तक एंड आप देख सकते हो कितनी सुंदर आई लुक क्रिएट हुआ है। आई इवन यूज द सेम कलर जो मैंने आईब्रोज में यूज किया था टू क्रिएट दैट विंग जो कि मेरा सिग्नेचर विंग है। I actually don't like to use a liquid liner to draw a wing क्योंकि you know eyeshadows are much more forgiving as compared to a liquid eyeliner because अगर आपने गलती करी तो आप हल्का सा उंगली से भी साफ कर सकते हो, Q-tip से साफ कर सकते हो, but liquid eyeliner थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है clean करना and plus आप किसी भी कलर से अपना विंग ड्रॉ कर सकते हो तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी रहता है। एंड देन आई यूज दिस डार्क ब्राउन कलर ऑन माय लोअर लैश लाइन एंड जस्ट लुक एट हाउ सिंपल दैट आई लुक वाज एंड कितना अच्छे से निकल के आया। दिस इज द आई लुक दैट लिटरली यू कैन वेयर विद एनी आउटफिट एनी टाइम ऑफ द डे, चाहे इवनिंग फंक्शन हो चाहे डे टाइम फंक्शन हो। दिस पैलेट इज ऑल्सो प्रिटी वर्सेटाइल एंड गेस वॉट, दिस इज राइट नाउ अवेलेबल फॉर जस्ट 150 रुपीज, सो गो ग्रैब योर्स राइट नाउ from cupsandlashes.com। I feel अगर आप इंडियन लुक क्रिएट कर रहे हो इन जनरल देन काजल का रोल ना काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ऑल्सो काजल से आप अपना विंग लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि मैंने आई शेडो यूज़ किया है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट लुक देता है, बट इफ़ यू वॉन्ट लाइक अ डार्क ब्लैक जेट ब्लैक काइंड ऑफ आई लाइनर लुक
देन आपकी मेकअप किट में एक काजल होना ज़रूरी है. दिस वन यू गाइज नो इज माई फेवरेट राइट नाउ. ये है एलिटीन का काजल. सिर्फ आई गेस 95 या 98 रुपीज़ का है, बट इट इज़ सो 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 गुड. एकदम जेट ब्लैक है, बहुत क्रीमी है और ईजिली वाटर लाइन पर एंड आपकी लैश लाइन पर अप्लाई हो जाता है. दिस इज़ वॉट आई हैव यूज ऑन माई वाटर लाइन टूडे. एंड जैसे ही मैंने काजल लगाया, वैसे ही आप देख रहे हो कि मेरी आँखें जो एकदम से खुल जाती है, बड़ी हो जाती हैं. ऑल्सो इफ यू हैव स्मॉलर आईज, मेक श्योर कि आप बहुत फाइन, मतलब बहुत पतली लाइन ड्रॉ कर रहे हो. अगर आप भर भर के काजल लगाओगे तो वो और ज़्यादा आपकी आंखों को छोटा लुक देगा. सो जस्ट अप्लाई ऑन द वाटर लाइन, ज़्यादा उसको स्मज मत करना, मोटी लाइन मत लगाना. बट इफ़ यू वॉन्ट, इफ यू हैव नेचुरली बिग आईज, देन आप अच्छे से लोअर लैश लाइन पे काजल को लगा के एक स्मोकी लुक भी क्रिएट कर सकते हो. इनफैक्ट मैं काजल के क्या ही और गुणगान करूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो काजल से, जस्ट इन केस आपको आई शेडो नहीं लगाना. तो इस काजल को आप अपनी अपर लैश लाइन पे लगा करके स्मोक आउट कर सकते हो फॉर दैट सॉफ्ट स्मोकी आई लुक. करीना कपूर का सिग्नेचर काजल वाला जो वो बोल्ड आई लुक है, वो सिर्फ आप काजल से अचीव कर सकते हो. सो यस, काजल इज अ मस्ट हैव इन योर वैनिटी. फाइनली आईज के लिए जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है मस्कारा. दिस वन इज द बेस्ट अफोर्डेबल मस्कारा दैट आई कैन रिकमेंड. ये है ब्लू हेवन का एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. अपनी आई लैशेस को कर्ल करो एंड इसको लगा लो. ये एक एक लैश को सेपरेट कर देता है, बहुत ही फेदर्ड लुक आता है एंड आपको अच्छा खासा वॉल्यूम भी मिल जाता है. दिस इज फॉर जस्ट 175 रुपीज, बट इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शन देन यू कैन चेक देम आउट राइट हियर एंड आई विल ऑल्सो लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक देम आउट. लास्टली जो मेकअप लगाया है उसको सेट भी तो करना है ना, सो दैट योर मेकअप लास्ट थ्रू आउट द डे या फिर थ्रू आउट द इवनिंग अगर आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो. आई वुड रिकमेंड यू दिस वन अगर आपकी ड्राई स्किन है. दिस इज एन वाई बे ड्यूई सेटिंग स्प्रे. अगर आपकी ऑयली स्किन है बट आपको एक ग्लोई लुक चाहिए, देन आप एन वाई एक्स का सेटिंग स्प्रे देख सकते हो जो ड्यूई वाला है. वो मैट इफेक्ट देता है बट इट गिव्स शाइन ऑन योर फेस. अगर आपको और ऑप्शन देखने हैं तो वो मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. फाइनली लिपस्टिक I think is something very personal. मुझे nudes लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है and you know मैं किसी एक lipstick पे रुक के नहीं रहती हूँ, so इसीलिए मेरे लिए ये category में suggest करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था. Maybe I will do a detailed video on lipstick shades that you can have in your vanity so that आपको बहुत सारी lipsticks खरीदना ना पड़े and mix and match करके आप कई सारे colors create कर सको. But for this video I have chosen these two lipsticks. These are the two options जो कि मैं आपको recommend करूँगी. This one is Inside की lip cream. This is a new launch and मैंने अभी recently इसको use करना start किया है. This has a very unique fragrance जो किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, but the fragrance is not lingering. But this shade, this is Nut, is very pretty brown, orangey kind of a shade. अगर आप fair to medium skin tone के हो तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपके ऊपर. And the second lipstick that I'm currently obsessed with is this one. ये है Swiss Beauty की My Shine lipstick in the shade Bitter Nude. You guys know how much I love this. उसके अलावा I have more lipsticks that I absolutely love. Like मेरे लिए evergreen kind of shades हैं, वो मैं एक future video में आपके साथ share करूँगी. And that was the last product that you can have in your makeup kit. Overwhelming नहीं लगेगा आपको एंड दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू विल एंड अप यूजिंग. कोई ऐसे बुलशिट प्रोडक्ट्स नहीं है कि यार जस्ट बिकॉज अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट वो हमने इस किट में ऐड कर दिया है. दीज आर जस्ट 12 प्रोडक्ट्स एंड दीज आर इनफ टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ मेकअप लुक दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट. As I mentioned earlier, आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो. जैसे मैंने फाउंडेशन ऐड नहीं किया, गो अहेड एंड ऐड योर फेवरेट शेड ऑफ फाउंडेशन एंड दिस वुड बी लाइक अ कंप्लीट किट अगर आप सिर्फ फाउंडेशन और ऐड कर दोगे. एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो. अगर ये अच्छा लगा है देन आई एम श्योर ये वाला मेकअप किट वीडियो जो मैंने शेयर किया था ना, ये आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज इट्स मोर डिटेल्ड एंड उसमें मैंने और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी. आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टूल्स जो कि इस वीडियो में मैंने बात नहीं करी बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मेकअप टूल्स जो कि बिगनर्स के पास होने चाहिए सो दैट आपको कभी ये ना लगे कि हाय मैं ये चीज कैसे ब्लेंड करूं या वो चीज कैसे ब्लेंड करूं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.